add it. What this? तो डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, तो ऐड डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, तो नेट. आई थिंक व्हाट यू गेट ओवर हियर -5985. अरे ये -5005 और -5985 नेगेटिव में आ रहा है, तो क्या लिखना है? बैंक ओडी एज पर पासबुक, बैंक ओडी एज पर पासबुक. समझाइए डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट. समझा What will happen if cash book ka debit is shown as cash book ka credit? What is debit of cash book? Receipt. Receipt ka payment bata. Debit ka credit bata. Paisa aaya ki gaya? Double add karke. Credit ka debit bata. Cash book mein credit ka debit bata. Up. By डबल एड डेबिट का डेबिट बताया, नेट क्रेडिट का क्रेडिट बताया. ओके पासबुक में भी सेम है, ऑपोजिट साइड पे जा रहा है तो ऐड कर देने का, सेम साइड पे आ रहा है तो नेट. समझ आए? ये तीनों समाज वाले जब भी एग्जाम हो, एग्जाम से पहले एक बार पूरे अरूस लिख के कर पूरा रिविजन हो जाएगा. चेक्स के अलग अलग पार्ट का अजम्पशन है, मिस्टेक्स वाले हैं, ट्रांसफर वाले हैं, एंड यू हैव दिस कास्टिंग एरर. सबसे इम्पोर्टेंट कास्टिंग एरर, एनएमडी वाले में आता ही है कास्टिंग एरर हमेशा. ओके नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्ट मेथड. एक्सट्रैक्ट मेथड इज द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेकिंग डीआरएस. एक्सट्रैक्ट मेथड क्या है? प्रैक्टिकल मेथड. आप जब अगर कोई सीए कर रहा है, आर्टिकल शीट में जाओगे तो आपको बीआरएस बनाने बोलेंगे तो ऐसे बनाओगे. ये तो क्या है, हम लोग पजल में घूम रहे हैं. इसमें सम्स में आपको एक बैलेंस दिया होता है और बोलते हैं कि दूसरा बैलेंस आप ढूंढो, बट एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, दोनों बैलेंस आपके सामने होते हैं. कैश बुक भी होती है और पासबुक भी होती है. जैसे कि इफ यू सी सम नंबर एट, एनयू सी सम नंबर एट दिख रहा है, एट सम इन फ्रंट ऑफ यू इट इज. देखो ध्यान से, आपके सामने कैश बुक भी है और पासबुक भी है. मिला मिला. अब एवरी एंट्री ऑन द डेबिट ऑफ कैश बुक शुड अपियर ऑन द क्रेडिट ऑफ एंड वाइस वर्सा. तो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस तो सेम ही है, दिख रहा है आपको 5005. क्लोजिंग क्या होना चाहिए? आइडियली सेम होना चाहिए. चेक द बैलेंस ऑफ कैश बुक 6500. व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पासबुक? 8900. कैन यू सी दैट? इट्स सेम और डिफरेंट? नॉट द टोटल बेटा, द बैलेंस आर टॉकिंग अबाउट. व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश बुक क्लोजिंग बैलेंस? 6500. What is the closing balance of passbook? 8900. Is it same or different? Different hai. Mila aapko? Hello. Hello, hello, hello. Different hai na? To kuch to jhol hai. Kuch entry ek book mein hai lekin dusre mein hai. Ya to cash book mein passbook mein nahi hai, passbook mein cash book mein nahi hai. To take a pencil and mark the different items by comparing debit of cash book with credit of passbook and vice versa. पहले देखो debit side of cash book balance को ignore करना, opening balance. फिर two cash दिख रहा है 2000, नीचे buy cash दिख रहा होगा 2000. opposite side compare करो, two cash 2000 दिख रहा है, buy cash 2000, वो same है. सेम एंट्री तो आना ही चाहिए दोनों बुक में, सेम एंट्री तो होना ही चाहिए. सब कुछ लफड़ा कब होगा बीआरएस में? जब एक बुक में और दूसरे में नहीं. अभी टू राधिका 4000 नीचे दिख रहा है, बाय राधिका. देन टू सुहास नीचे दिख रहा है, बाय सुहास 3000. फिर टू कृष्णा नीचे दिख रहा है, बाय कृष्णा. हाँ वो अलग है, तो हाँ वो अलग ही है. तो कृष्णा पे डॉट मारो और ये बाजू इंटरेस्ट पे डॉट मारो, कृष्णा पे डॉट मारो और ये बाजू इंटरेस्ट पे डॉट मारो.
मिला। तो आपको डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में एक आइटम है टू कृष्णा, कितना है 1500, यह डिफरेंट आइटम बराबर है। और पासबुक के क्रेडिट साइड, पासबुक के क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट, कितना, ये अलग है, एक बुक में है लेकिन दूसरे बुक में नहीं है। अभी कंपेयर दी अदर साइड, कंपेयर कैश बुक का पेमेंट विद पासबुक का, कैश बुक का पेमेंट विद पासबुक का डेबिट साइड, पेमेंट साइड क्रेडिट विद डेबिट। सो बाय दिनेश 3000, क्या दिख रहा है, टू दिनेश 3000 आ चुका है, लफड़ा नहीं है। बाय कैश 1000 का दिख रहा है, टू कैश 1000 आ चुका है। बाय गोपाल 1500 का दिख रहा है, टू गोपाल 1500 ये भी आ चुका है। बाय सागर का 3500 आई डोंट थिंक सो। तो बाय सागर पुट अ डॉट, हाँ हाँ वो भी आता हूं। वो हो गया, बैलेंस को इग्नोर मारो और नीचे की तरफ टू बैंक चार्ज, टू बैंक चार्जेस दिख रहा है आपको ऊपर, नहीं वो भी अलग है, पासबुक के डेबिट में है लेकिन कैश बुक में नहीं है, दिख रहा है। तो मैंने कौन से आइटम मार्क किया आपको समझ में आया, कौन सा आइटम मार्क किया, जो सेम है उसको कि जो डिफरेंट है उसको। तो मार्क द डिफरेंट आइटम्स, मार्क द डिफरेंट आइटम, जो कैश बुक में है पासबुक में नहीं है, पासबुक में है कैश, और कंपेयर करते हो हमेशा डेबिट ऑफ कैश बुक को किसके कंपेयर, किसके साथ कंपेयर करना है, क्रेडिट ऑफ पास एंड वाइस वर्स, रिसीट को रिसीट, पेमेंट को पेमेंट के साथ। अब ये डिफरेंट आइटम्स है पक्का, गम्मत देखना, बीआरएस बनाना है। आई कैन स्टार्ट विद कैश बुक टू पासबुक, आई कैन स्टार्ट विद पासबुक टू कैश बुक बिकॉज आई हैव बोथ द बैलेंस, आई स्टार्ट विद कैश बुक। सो बैंक बैलेंस क्योंकि नॉर्मल है, कैश बुक का बैलेंस कितना दिया 6000, इज इट नॉर्मल और ओडी, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, डेबिट बैलेंस दैट्स नॉर्मल बैलेंस। अभी ओडी होता तो क्रेडिट बढ़ा, डेबिट बढ़ा हुआ तो नॉर्मल है। और मुझे एंड में क्या मिल रहा चाहिए, ये मिल रहा चाहिए, इसमें से मुझे कुछ प्लस करना है, कुछ गम्मत, माइनस प्लस माइनस प्लस खत्म, माइनस 1500 प्लस 3500 माइनस 100 प्लस 500 हो गया आपका बीआरएस। That's how we do it practically. Very simple. मैच हो रहा है बट इसको नॉर्मल समझ में अपने मत पे तकलीफ हो, आ रहा है चेक कर, 5000 प्लस 8500 8400 प्लस 8000 मैच हो गया ना। अब इसके पीछे लॉजिकल रीजन है, हम लोग कहां से कहां जा रहे थे, सीबी टू बीबी जा रहे थे बराबर, ये 1500 कहां दिख रहा है मेरे को, सीबी के डेबिट में दिख रहा है। इमेजिन करो कोई अमाउंट कैश बुक के डेबिट में, ये टू कृष्णा कैश बुक के रिसीट में लेकिन पासबुक में नहीं है, तो ये क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, सीबी में है बीबी में, तो सीबी गोस अप, पैसा आया ना सीबी में, सीबी गोस अप, बीबी रिमेंस फ्लैट, एरो मूव्स सबट्रैक्ट। दूसरा वाला मैंने क्या किया यहां पे, प्लस 3000 ये वाला, ये कहां दिख रहा है, पेमेंट्स ऑफ कैश बुक। तो ये क्या होगा, चेक इश्यूड बाय सीबी गोज डाउन बीबी फ्लैट, दैट्स व्हाई वी ऐड, दैट्स व्हाई वी ऐड। तीसरा मैंने ये किया माइनस 100 कहां दिख रहा है, पासबुक का मतलब पेमेंट, तो पैसा आया कि गया, फ्रॉम पासबुक, पासबुक गोज एरो गोज डाउन, सो सब
But that, what about fourth one? Interest, कहाँ दिख रहा है? Credit और passbook, पैसा आया नहीं दिख रहा? Passbook goes? समझ में आया? वही लॉजिक है. Cashbook debit में आया, cashbook goes up. Cashbook credit में आया, cashbook goes? Passbook में आया तो passbook. वो copy कर दो. ये भी copy कर दो, वो भी copy कर दो. ये working note है, तो statement बनाते हैं. इसमें स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, वर्किंग नोट से ज्यादा स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको रीजन नहीं दिया, यहाँ पे आपको इंटरप्रेट करना है क्या रीजन, रीजन आपको समझ में आना चाहिए. ये दिमाग लगाने वाला काम है, ये प्रैक्टिकली होता है. प्रैक्टिकली कैशबुक आपके सामने है, पासबुक आपके सामने है, मैच करो एकदम. ओके, तो सर पहले वर्किंग नोट फिर से क्या, पहले ये कॉपी करो, फिर वो कॉपी करो, फिर ये कॉपी करो. स्टेटमेंट सेम ही रहेगा, बैंक बैलेंस एज पर कैट, सब कॉपी करना है, ये भी कॉपी करना है, वो भी कॉपी करना है, ये वर्किंग नोट्स है. फिर स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट फेयर में रखना. एड में क्या आएगा आपका, इसके क्या रीजन लिखोगे, ये प्लस वाले का 3500 का रीजन क्या है, चेक इश्यूड क्लिक हुआ आपको, क्योंकि ये सीबी में है, बीबी में नहीं, तो इश्यू किया हुआ है क्रेडिट पे, कितना है 3500. अच्छा, इसका क्या रीजन लिखोगे, और क्या ऐड किया मैंने 500, इसका क्या लिखोगे आप, ये आपको क्वेश्चन है ना, वो आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है. इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पर दिख रहा है पास, एब्सोल्युटली राइट, या फिर सिंपली इंटरेस्ट क्रेडिटेड ओनली इन पासबुक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ओनली इन पासबुक 500, फिर एक सब टोटल, फिर लेस, लेस का क्या लिखो, इसका क्या लिखो, कृष्णा का क्या लिखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, समझ में आ रहा है, ये आपको दिया रहता था ना, अभी आप फ्रेम कर, क्वेश्चन में दिया होता था, अभी इसको आप फ्रेम कर, तो ये चेक डिपॉजिटेड, ये चेक इश्यू, ये बैंक ने क्रेडिट, अच्छा इसका क्या लिखोगे, बैंक चार्जेस का, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ओनली पासबुक. ऐसे बनता है बीआरएस प्रैक्टिकल. तो ये कितना आ रहा है आपका 8009. क्या लिखोगे इधर, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ऐसा है. और ये रूल परमानेंट है, माइनस प्लस माइनस प्लस. ओवरड्राफ्ट होगा तो क्या करो, और हमेशा मूव फ्रॉम सीबी टू टी, स्टेप्स लिखवाऊंगा आपको. हाँ, संडे वाले टेस्ट में ये नहीं, संडे वाले टेस्ट में ये सब नहीं है, एक्सपेक्ट नहीं है. संडे टेस्ट में बी आर एस का, हेलो मैसेज मिला, हाँ तो अभी सुन लो, संडे टेस्ट में बी आर एस का, ठीक है, 8 to 9:15 and 9:30 to 10:45, एक्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा उसमें, ये नहीं आएगा, कहा छोड़ी दे पढ़ाई, अभी देखो सब नंबर
सम नंबर 27 देखो, चलो कंप्लीट करो।
नहीं है, इसका अर्थ समझ आ रहा है आपको? क्या है इसका मतलब? ये 1200 का लॉजिक क्या है? कैशबुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है। डिपॉजिट किया है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सेल ऑफ फर्नीचर किया होगा क्योंकि बैंक तो फर्नीचर है। नॉट रिकॉर्डेड इन पीबी में होगा लेकिन कब? बाद में। नेक्स्ट देन टू सेल्स 3800 सब जाए 3800 पढ़ो है क्या नीचे कैश में दिख रहा है। टू फिरोज का दिख रहा है 3000 वो भी दिख रहा है। तो नीचे अभी देखो कुछ बच गया क्या आइटम? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिख रहा है आपको 100 रुपया डिपॉजिट साइड पे 100 रुपया इंटरेस्ट दिखा। कहाँ कहाँ है वो? पासबुक का क्रेडिट सर डिपॉजिट बाय इंटरेस्ट कितना है? 100। और दिस ये दो डिफरेंट आइटम्स आपको मिल गए डेबिट और क्रेडिट को मार्क कर बराबर। अभी कंपेयर दी ऑपोजिट साइड पेमेंट ऑफ कैश बुक विद विड्रॉवल साइड। बाय सैलरी 4000 दिख रहा है चेक 4000 में दिख रहा है वहां पे। परचेजेस 3200 इधर भी है। मशीनरी 6000 नीचे है चेक। आगे पीछे रहेगा टाइम लगता है प्रेजेंट होने में दिख रहा है। ओमकार का 1000 है नहीं है। वो शोभा वाला ओमकार का 1000 नहीं है। तो ओमकार का 1000 ये बाय ओमकार है ना कैश बुक क्रेडिट वाला। इसका लॉजिक क्या होगा? ये ओमकार वाला चेक कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है। चेक इश्यूड बट नॉट पेड। ड्रॉइंग्स का 800 है है देन है ना। विजय का 2000 नहीं है। विजय का भी 2000 नहीं है। कैश बुक क्रेडिट साइड में है लेकिन पासबुक में नहीं है। इसका मतलब क्या? इस महीने चेक निकल गया है आपने एंट्री मार दी है लेकिन पासबुक में भी रहा नहीं दिखा। कब दिखेगा? शोभा का 1000 है। प्रिंटिंग का 500 नहीं है। ये भी क्या होगा? वही होगा। तीनों जो कैश बुक में क्रेडिट में दिखाई दे रहे हैं वो क्या रहे? चेक इश्यूड बाय पास प्रेजेंट क्या प्रिंटिंग।